मस्त लगता है खाने में दोस्तों, एकदम छौंका लगा देने से। देखिए देखिए दोस्तों, आलू एकदम छील के दोस्तों, प्याज काट लिए, मिर्च काट, थोड़ा देख लीजिए चला गया लुआ सीझा कि नहीं। परी क्या, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने अपने जिंदगी में मस्त और खुश होंगे। उन सभी भाइयों और दोस्तों को मेरा प्यार भरा दिल से नमस्ते प्रणाम। दोस्तों अभी शाम के 4-5 बज रहे हैं ना, 5:30 बज रहे हैं दोस्तों, और आप सभी को हमारी ब्लॉग्स में स्वागत करते हैं और देहाती ब्लॉग 2.0 में भी स्वागत करते हैं। दोस्तों आज मौसम थोड़ा सा फ्रेश है, आज बारिश नहीं हो रही शाम शाम के समय ने, तो 3 दिन से पूरा बारिश हो रहे थे दोस्तों, तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो गया था। तभी उतना बारिश नहीं हो रहा, फिर भी हम लोग को चूल्हा देखिए भीग चुका है। और दोस्तों हम लोग आज माड़ भात बनाने वाले हैं, तो आप लोग ब्लॉग्स में बने रहिए और देखिए माड़ भात और आलू का चटनी बनाने वाले हैं दोस्तों। क्या जी? हाँ जी, तो इधर देखिए चूल्हा जला लिए परी मम्मी, थोड़ा सा जलने में दिक्कत हो रहा है, लकड़ी तो सूखी है दोस्तों लेकिन चूल्हा भीग गया है, हाँ तो वही थोड़ा सा फूक फूक के चूल्हा जलाना पड़ रहा है, जला दीजिए। तो ये देखिए दोस्तों हम लोग का हड़िया चढ़ गया है तसला, इधर चूल्हा थोड़ा जलने में दिक्कत हो रही है दोस्तों क्योंकि भीग गए हैं साइड साइड से, लकड़ी तो सुखा के रखे हुए थे हम लोग, इधर अधन चढ़ा दिए माड़ भात, आलू इसी में दे दीजिए जी सीझने के लिए, इसी में सीझने दे दीजिए अच्छा रहेगा, धो के दे दीजिए आलू के सीझने के। दोनों भाव बहन इतना बदमाश है ना मत पूछिए, देखिए क्या बन, देखिए आलू ले आया ही सब परी चूल्हा बना के, दोस्तों देख सकते कितना बुद्धि है सबका, चूल्हा बना लिए और खाना बना रही है एकदम, और आलू ले आए नाश रहा है ना बाबू, मम्मी मारेगी अभी तो। परी झोलाना नहीं हथवा में आग लगा लिए है से, बाप रे ये सब नौटंकी, हम कुछ मजाक कर हैं, अरे आग जला मारेगा भी नहीं, तो अधन देखिए अच्छी तरह से एकदम पूरा खोलने लगा, अच्छी तरह से क्या होगा पूरा खोल रहा है। अब चावल डालते हैं और आलू भी धो देते हैं एकदम फ्रेश करके, फ्रेश करके धोआ गया दोस्तों आलू, अब इसको बीच बड़े बड़े साइज का आलू है दोस्तों, इसमें बीच में कटिंग कर देते हैं ताकि आसानी से सीझ जाए भात के साथ साथ। क्या जी? हाँ जी, धो लिए एकदम फ्रेश करके, धूल मिट्टी नहीं रहा है आलू में, दे दीजिए ना चावल वो सीझ जाएगा जल्दी, ये सब नहीं काटे, ये मुर्गी है गई, चल 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 चल। तो देखिए दोस्तों हम लोग चावल के साथ में एकदम आलू सीझने दे दिए हैं, इधर नीचे से आँच लगा देते हैं एकदम तेज रफ्तार में, और हम लोग का एकदम आसान तरीका रहता है दोस्तों जल्दी से बन जाए माड़ भात चोखा। क्या जी? हाँ जी, भात भात के साथ के साथ एकदम बन तैयार हो जाएगा। और दोस्तों आज हम लोग शाम के लिए खाना बना रहे हैं दोस्तों, आज मौसम भी फ्रेश है, आज बारिश भी नहीं हो रही है, उतना भी दिक्कत नहीं है। क्या जी? आज मौसम भी ठंडे ठंडे है, गर्मी भी नहीं है उतना ज़्यादा, बस हम लोग माड़ भात बना के दोस्तों खाएंगे, रात का यही खाना रहेगा। आप लोग ब्लॉग्स में बने रहिएगा और ब्लॉग्स को फुल वॉच कीजिएगा दोस्तों, फुल सपोर्ट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हाँ थोड़ा देख लीजिए चला गया लुआ सीझा कि नहीं। परी क्या हुआ रे? क्या क्या रे? अरे देखिए जी अलुआ लेके गई थी, देखिए क्या बना के लाई, देखिए बड़ा मस्त भुजिया बनाए रे परी, खा के देखिए पूरा बर्तन वो नाश दी होगी ना, क्या बनाए परी? रनिया दो लोग दो लोग ना, अच्छा लगता है भुजिया बनाई, अच्छा लग रहा खाने, एक बार देख लीजिए सीझा कि नहीं सीझा, नहीं अभी नहीं सीझा है, नहीं सीझा है, नहीं ढक दीजिए फिर। तो फाइनली दोस्तों हम लोग का भात और आलू सीझ गए हैं दोस्तों, अब इसको निकालते हैं नीचे, आलू निकालते हैं ना। हाँ जी आलू निकालते हैं, पहले भात नीचे कीजिए ना, नहीं जल जाएगा, नहीं जलेगा, नहीं जलेगा, नहीं जलेगा, सब ठंडा पानी में डाल दीजिए, नहीं तो फिर छोड़ाने में दिक्कत करेगा, बहुत गर्म है ना।
आज हम लोग मार भात एकदम पर्सनल बनाए हैं दोस्तों, एकदम हरे मिर्च और प्याज का चटनी बनाएंगे, चोखा एकदम चटाकेदार क्या। और इस तरह से आलू छुड़ा रहे हैं दोस्तों, चोखला इसका भात अभी सीझे नहीं है दोस्तों, अच्छी तरह से उसको अभी ऐसे होता है चढ़ा ले रख ले क्या, आलू साथ में डाल देते हैं तो जल्दी हो जाता है, मतलब कि अभी भात मार भात बनाते हैं उसके बाद आलू सीझाते हैं उसके बाद चोखा बनाते हैं, इससे अच्छा है कि भात में ही डाल दिए चावल के टाइम ही, भात भी हो गया और आलू भी सीझ गया। थोड़ा देर और लगेगा, अभी गीला नहीं हुआ है, मार भात बनाना है ना तो थोड़ा देर और चढ़ाएंगे। देखिए दोस्तों आलू एकदम छील के दोस्तों, प्याज काट लिए, मिर्च काट लिए हैं दोस्तों, अब इसमें एकदम निचोड़ कर चटनी बनाएंगे दोस्तों क्या जी। हाँ उधर भात भात हो गया ना, उसका मार कल पसाएंगे, सही उतार के रख दीजिए, ठंडा होने दीजिए, उसके बाद हम लोग रात में खाएंगे सब मिलजुल कर एक साथ में क्या। बाबू लोग दीदी लोग भी यहीं पर है, भैगना भैगनी भी यहीं पर है दोस्तों, तो चटनी बनाइए जी, एकदम मटेरियल कट गया है दोस्तों, देखिए इधर हम लोग हाथ से निचोड़ कर चटनी बनाएंगे दोस्तों, इसका छोका भी लगाइए क्या, आग से छोका लगाएंगे, आग से लकड़ी का आग से छोका लगाने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग ब्लॉग्स में बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा दोस्तों, और फुल सपोर्ट कीजिएगा, एकदम आप ही लोग का सहारा बने हुए हैं दोस्तों, बस आप लोग वीडियो को एकदम फुल वॉच कीजिएगा। और दोस्तों एक बार आप लोग भी मार भात और चोखा बना के खाइए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आलू का ही चोखा बनाइएगा, आप लोग जो मन करे चोखा उसको बनाइए, बना रहे हैं, जिनको जिनको खाना है वो आइए और मार भात खाइए, हाँ मार भात का एकदम लाभ उठाइए दोस्तों, आप लोग कभी मार भात तो खाए नहीं होंगे क्या जी, जी। हमेशा सब्जी सब्जी खा के एकदम आप लोग बोरिंग हो जाते होंगे, तो मार भात एक बार जरूर खाइए। इसमें छोका लगाना है खाली दोस्तों, नमक दे दिए, नमक दे दिए। देखिए दोस्तों हम लोग आलू का चोखा एकदम बन के भी तैयार होने वाले हैं, भात हो गया है, भात को रख दिए ठंडा करने के लिए। और देखिए दोस्तों इधर लकड़ी का आग ले लिए हैं और इसका छोका लगा रहे हैं, एकदम मस्त लगता है खाने में दोस्तों एकदम छोका लगा देने से, देखिए छोका लग गया है क्या जी। हाँ जी, अब हम लोग मस्त तरीके से बना के खाएंगे एकदम मार भात, अभी रात में खाएंगे, अभी रात नहीं, में खाएंगे अभी नहीं, बाबू लोग खेलने गई है, परी और बाबू, अब हम लोग को तैयार हो गया चोखा दोस्तों, जिसको जिसको खाना आप लोग आ सकते हैं और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा बना हम लोग का चटनी और मार भात क्या जी। हाँ जी, मार भात बन के तैयार हो गया दोस्तों, देखिए इस तरह से एकदम थोड़ा सा गीला रखे हुए दोस्तों, ठंडा हो जाएगा तो अपने आप ही टाइट हो जाएगा क्या। देखिए माड़ भात बन के तैयार हो गया, अब इसमें हम लोग एकदम खाएंगे चटनी आलू का चोखा मिक्स करके और भात दोस्तों क्या। हाँ जी, हो गया, उतार दीजिए। और दोस्तों हम लोग ठंडा होने के लिए दे दिए हैं माड़ भात और चटनी भी बन के तैयार हो गया है, और वीडियो अधिक लंबे हो जाएंगे दोस्तों, आप लोग भी बोरिंग महसूस कीजिएगा, तो वीडियो को हम लोग यहीं एंड कर देते हैं और फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग्स में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।